दोस्तों और सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं दोस्तों। ये है मेरी भतीजी बीच वाली, और ये वीडियो मैं डालने जा रही हूँ दो तरह की कढ़ी की, और दो तरह की कढ़ी बनाएंगे हम। देखिएगा किस तरीके से। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिएगा देखिएगा। हम पकौड़ी बनाने के लिए ये ऑयल गर्म करने रख देंगे, और यहाँ मैंने ये कहते हैं बड़ा चूल्हा होता है ना जो शादी वगैरह में लगाते हैं, वो रख लिया है। और हम दोनों हैं हस्बैंड वाइफ, बच्चे चले गए दावत खाने, तो मैं उससे पहले सोच रही हूँ चाय बना दी है इनके लिए, पकौड़ी निकाल दूँ। तो मैं यहाँ ये आलू डालूँगी और प्याज और आलू की पकौड़ी बनाऊँगी इसी में। तो देखिए दोस्तों ये पकौड़ी मैंने बेसन, ये मैं बेसन जो कढ़ी बनाने के लिए होता है उसके लिए अलग बेसन छान रही हूँ मैं जो कढ़ी में पकौ, और इस तरीके से मैंने पकौड़ी बनाई है। और ये पकौड़ी भी निकाल लूँगी मैं खाने के लिए, अपने दोनों के लिए, बच्चों के लिए भी उठा के रख दूँगी, आएंगे बच्चे आज ही। तो इसी तरीके से हम अच्छे से सेक लेंगे। और ये मैं वॉइस ओवर बहुत दूर जाके कर रही हूँ दोस्तों। अगर ये कड़ी वाली वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। देखिए दोस्तों तो ये है, मैं इसमें बेसन कड़ी बनाने के लिए पकौड़ी से बेसन घोल लूँगी मैं, और ये अपने लिए बच्चों के लिए पकौड़ी बनाई है, और ये पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ जो कड़ी के लिए पकौड़ी। तो यहाँ हम पकौड़ी सेक लेंगे खाने के लिए। देखिए दोस्तों, और ये मैं कड़ी के लिए पकौड़ी बनाऊँगी दोस्तों। अब भी बनाई है मैं दो तरह की कड़ी, इसी में कैसे बनाती हूँ देखिएगा। और ये मैं बेसन घोल लूँगी, और ये मैं कड़ी के लिए पकौड़ी बना रही हूँ छोटी छोटी इसी तरीके से। और ये जो चूल्हा होता है वो मैंने जला लिया है, और यहाँ शाम का टाइम है दोस्तों। देखिएगा मैं पकौड़ी जितनी चाहिए मैं उतनी बना लूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग बना लें जितनी चाहिए। देखिएगा इस तरीके से मैंने पकौड़ियाँ बना ली हैं और बना के रख दी हैं। और देखिए मैंने डाल दिया इसमें जीरा, और ये मेथी दाना डाल दिया है मैंने कढ़ी में। इसी तरीके से बनाइएगा। अब मैंने डाल दिया है इसमें खड़ा सूखा लाल मिर्च, खड़ा सूखा लाल मिर्च डाल दिया है कढ़ी में, और ये बीस से चीरा लगा ली हैं। इसको अच्छी तरीके से पका लूँगी मैं, आपके पास कड़ी पत्ता हो तो वो भी डाल दें। और ये बीच से चीरा लगी हुई हरी मिर्ची है, और ये अदरक है कटा हुआ नैन छोटा छोटा। और देखिएगा ये मैंने बड़ी बड़ी प्याज काट ली है, महीन चॉप नहीं की है, बड़ी बड़ी काट ली है। अब मैं इनको भून लूँगी अच्छी तरीके से कड़ी के लिए दोस्तों। इस तरीके से कड़ी बनाइएगा। मेरे पास ये पालक रखा है, और ये मैं पालक को भी कट कर लूँगी देखिएगा। और इधर ये मैंने मट्ठे में बेसन घोल के रख दिया है, जो बेसन मुझे चाहिए जैसा मुझे चाहिए वैसा घोल बना दिया है मैंने। और ये मैं पालक काट के महीन, एकदम महीन काट लूँगी और रख दूँगी। और इधर मेरा मसाला भुनना है प्याज वगैरह। देखिए मेरी ये प्याज अच्छी तरह से भुन रही है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये पालक, इसको धुल के अच्छी तरह से निचोड़ के इसी मसाले में मैं पालक डाल दूंगी, और इसको भी अच्छी तरीके से भून लूंगी। और देखिएगा और इसको मैं भूनूंगी, ये भून जाएगा 2 मिनट में, ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता है कि पालक कहाँ गया। इसमें कुछ मसाले डालूंगी मैं, लाल मिर्ची डाल दूंगी इसमें स्वाद अनुसार और आपको अकॉर्डिंग। और मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर, वो भी टेस्ट अकॉर्डिंग डाल, मैं इसको मिक्स कर दूंगा, मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी।
देखिएगा एकदम आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है ये। अभी मैं नमक नहीं डालूंगी इसमें, इसको का है। और पालक भी डाल दिया है, सर्दियों में पालक बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को दे। और ये मैंने जो घोल बना के रखा है, मट्ठा है इसमें और बेसन है, तो ये घोल बना के रखा है मैंने, इसी में डाल दिया है। कड़ी में एक ही जगह चौंकूंगी और इसको किस तरीके से मैं अलग अलग करूंगी वो देखिएगा। और अब मैं इसको चलाते हुए पका लूंगी। तो दोस्तों देखिएगा कढ़ाई भर गई है मेरी। और ये कढ़ी इस तरीके से सर्दियों में कढ़ी बनाएंगे, बच्चे भी खुश बूढ़े भी खुश। दोस्तों देखिएगा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भैया दीदी मेरे चैनल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा कढ़ी उस कढ़ाई में आ नहीं रही थी तो मैंने इसमें कर ली, बड़ी कढ़ाई में कर ली है। अब मैं इसमें नमक डाल ली हूँ, नमक डाल दिया, कढ़ी खोल गई है तो मैं अब इसमें नमक डाल दिया है और वो कढ़ाई हटा दी है, बड़ी कढ़ाई रख ली है मैंने। तो इस तरीके से इसको मैं पका लिया है, देखिए आपको दिख रही होगी कढ़ी खोल गई है। चलाते हुए हम कढ़ी को खोलाएंगे और उसको बिना चलाए नहीं बंद, खोले बिना खोले बंद ना करें, चलाते रहें। अब देखिएगा जो पकौड़ी सेकी थी मैंने, तो मैं इस तरीके से कुछ बड़ी हैं मैं तोड़ के डाल दूंगी और इस तरीके से बाउल में मैं ये पकौड़ी डाल दूंगी जो मैंने कढ़ी के लिए बनाई है। दोस्तों इसी तरीके से एक कढ़ी बनाएं और सबको खिलाएं, देखिएगा। और ये दो तरह की कढ़ी हम बना लेंगे, और ये बड़ी पकौड़ी है और ये मेरी पकौड़ी वाली मेरे बच्चे के लिए कढ़ी बन जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, अब कर दूँगी देखिएगा इस तरीके से, इस तरीके से आप कढ़ी को बना लें, उसके बाद में पकौड़ी में डाल दें। देखिएगा मैं डाल रही हूँ इसी तरीके से। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत दिन हो गए हैं दोस्तों, सबकी वीडियो वायरल हो रही हैं। और वीडियो को फुल वॉच किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं तो फिर कहोगे कि अच्छी नहीं बनी। तो देखिएगा ये मैंने पकौड़े वाली कढ़ी तैयार कर दी है, और ये मेरी पकौड़े वाली कढ़ी तैयार है एकदम। थोड़ी सी कढ़ी और डाल दूंगी क्योंकि पकौड़ी कढ़ी सोखती हैं, तो मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने कढ़ी काफ़ी बनाई है और इसी तरीके से आप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप दो दो तरह की कढ़ी, तीन तरह की कढ़ी, चार तरह की कढ़ी, ये कढ़ी है तैयार। अब देखिए दूसरे तरह की कढ़ी मैं कैसे बना रही हूँ। ये मैंने गाजर काट के बॉईल कर ली हैं, देखिए एकदम बॉईल हो गई हैं और मैं गाजर इसमें डाल दूँगी। अब ये मेरी कढ़ी जो है ये गाजर वाली कढ़ी हो जाएगी। तो दोस्तों अभी मैंने गैस बंद नहीं की है, गैस चालू है, क्योंकि गाजर में थोड़ा पानी रहता है, इसलिए ये गाजर वाली कढ़ी मेरी रेडी हो जाएगी। दोस्तों देखिएगा आप इसी तरीके से आपके घर में जिस तरीके की कढ़ी पसंद करते हो, वैसे तो ये मेरी तीन तरह की कढ़ी हो गई है लेकिन दो ही तरह की मानी जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने पालक डाला है तो पालक गाजर पकौड़ी सब इसमें मिक्स हो गया है। तो दोस्तों देखिएगा ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को। अब मैं इसमें धनिया काट के डाल दूँगी, देखिएगा कढ़ी में अभी मैंने बंद नहीं की है कढ़ाई, और धनिया काट के डाल दूँगी। और आप भी इसी तरीके से कढ़ी बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और फुल मुझे सपोर्ट करें जो मेरे भैया दीदी नए हैं। तो सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है और ना ही शेयर। और देखिए मैं ये पकौड़ी वाली कढ़ी में भी धनिया डाल दूँगी और ना ही दोस्तों शेयर का पैसा लगता है। तो देखिएगा, और ये बाहर की आवाज़ें आ रही हैं तो इसको अवॉइड करना, क्योंकि दोस्तों मैं कहीं आए वहाँ ये वॉइस ओवर कर रही हूँ।
तो ये तैयार है। ये है पकौड़ी वाली कड़ी और ये गाजर वाली चटनी बना ली, ये चिक्की बनाई थी वो। आ जाइए लो दोस्तों, खाना खा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जो भैया दीदी नए हैं।